नोएडा में निर्माण कार्य के दौरान एक मकान और दुकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बगल में खुद रही नींव की वजह से एक मकान और दुकान भर भरा कर गिर गए, मानो तो कोहराम मच गया। तस्वीर नोएडा के सेक्टर 63 इलाके के बहलोरपुर की है, जहां एक निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर अपने काम में लगे थे और आसपास के लोग अपने काम में। इस बात से बेखबर क्या होने वाली एक बड़ी अनहोनी की नींव खोदी जा रही थी, लेकिन पता नहीं था कि ये नींव नहीं बल्कि मौत का गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसमें भर भरा कर गिर गए बगल के मकान और दुकान। तो मानो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि कहा गया कि कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। फौरन पुलिस और फायर विभाग ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उधर हाहाकार मची थी, चीख मुकार मची थी। सवाल बड़ा था कि आखिर कितने लोग मलबे में हैं, उनकी क्या हालत होगी, कहीं कोई देरी न हो जाए। तमाम आशंकाओं के बीच आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ और 3 लोगों को मलबे के नीचे से निकाला गया, जिसमें एक मजदूर ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें, 2 लोगों को पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है। इस हादसे में मारे गए मजदूर जो नींव की खुदाई कर रहा था, उसका नाम था जितेंद्र। मलबे में दबने की वजह से उसकी जान चली गई, तो परिवार में मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार वालों ने गुस्सा किया तो ठेकेदार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की गई। ठेकेदारों ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर यहां काम शुरू करवा दिया, जिसकी वजह से मजदूर जितेंद्र की जान चली गई। परिजनों के हंगामा के बाद पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो डेस्क, जातंत्र टीवी। तो उससे पहले कुछ सेफ्टी वेफ्टी नहीं अपनाई गई थी ठेकेदार, आप ठेकेदार की तरफ से भाई क्या पे कुछ नहीं? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार आज आता है चला गया। क्या कह रहा था ठेकेदार उस समय? ठेकेदार क्या कह रहा था उस समय? भाग गया वो, बोला सीसीटीवी मंगा तो भी मंगाने का तैयार नहीं। चाचा कैसा करते हो? चाचा कितने लोग दबे हुए इसमें? अरे इसमें 2 तो घायल हो गए हैं, बचे हम भी घायल हो गए, बचे आप भी यहीं काम कर, आप भी यहीं काम कर रहे हैं, और कितने लोग हैं? थाना सेक्टर 63 के अंतर्गत बैलोलपुल गांव में हनुमान मंदिर के पास एक बिल्डिंग में काम चल रहा था नींव का। नींव में काम चलने की वजह से जो उसके बगल वाली सिंगल स्टोरी की एक का मकान था, वह गिर गया और उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है।